हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज गए हैं 9 और अभी मैं किचन में हूँ और मैं खाना बना रही हूँ। और गर्मी से मेरी हालत हो गई है एकदम खस्ता, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी अपना बना लूँ। तो आज खाने में बना है चावल, कढ़ी और रोटी। तो कढ़ी आलू वाली बन रही है क्योंकि मेरे घर में सबको लगभग लगभग यही पसंद है यहाँ पर। तो ये आलू है और ये मैं सही से उठा नहीं पा रही थी, लहसुन का पेस्ट और ये मेरा प्याज जो कि अब गोल्डन कलर का हो चुका है। और अब मैं इसमें सारे गरम मसाले डालूंगी और मसाला जब हो जाएगा तो फिर पहले तो मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू डालने के बाद गरम मसाला डालूंगी और उसके बाद इस बेसन का घोल बना के डालूंगी और किसके साथ छाछ के साथ। तो खाने में ठीक ठाक ही लगता है, टेस्टी लगता है, अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जैसा पसंद आ जाए। हमारे घर में तो सबको यही पसंद आता है, मेरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि एक बार ट्राई आप लोग को भी करना चाहिए, अच्छा लगेगा। और बस, और आज मैं चावल थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बड़े वाले कुकर में ना पूरा चावल ही भरा हुआ है। आज ना रोटी से मिक्सी से 3-4 ही बनाऊंगी, 3-4 सब मिला के 5-6 ही रोटी बनाऊंगी, इससे कम नहीं बनाऊंगी। और ये बार बार कैमरा इसलिए हिल रहा है ना क्योंकि मैंने ट्राइपॉड में सेट नहीं करके रखा, जिसके एक हाथ से ऐसे पकड़े हुए हैं और इस वाले हाथ से ये, तो बस इसलिए वजह से थोड़ा सा सेके सेके सा हो रहा है। मैंने मसाले भूजने के बाद, मतलब आलू फ्राई करने के बाद उसमें मसाले डाल दिए थे। उसको मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि प्रॉपर पक जाए, क्योंकि अगर आलू में कोई खट्टी चीज़ डाल दूँगी तो टाइम लगेगा पकने के लिए। तो इस वजह से मैं इसको पहले ही पका लूँगी अच्छे से मसालों में। और ये देखने से तो लग ही रहा है कि ये अच्छे से पक गया होगा। और उसके बाद मैंने उसमें बेसन का घोल डाल दिया और डालने के बाद इसे मैं अच्छे से चलाती रहूँगी लगातार ताकि ये अच्छे से बन जाए। और कढ़ी की यही खास बात होती है कि उसको लगातार चलाते रहना होता है, नहीं तो नीचे से लग जाता है और जलने लगता है। तो इसके वजह से मैं इसे लगातार चलाऊंगी और इसे मैं ढक दूंगी और पक जाएगा तो उसके बाद गैस ऑफ कर दूंगी। और चावल मेरा बन चुका है और रोटी मैंने पहले ही बना रखी थी। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं दोपहर में थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद मैं ना अपना ब्लाउज सिलने लगी। अपना ब्लाउज सिलने लगी का मतलब कि बहुत दिनों से मैंने काट के रखा था सिलने के लिए, बस गर्मी का सीज़न तो इसलिए मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ टालती रहती हूँ, आज सिल ली। तो मैं वो पूरा आप लोगों के साथ क्लिप शेयर नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा दिखा दूँगी, क्योंकि अगर इस तरह पूरा शेयर करने लगूँगी तो ब्लॉग बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। दोपहर के बाद का टाइम है और मैं यहाँ सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और दोपहर में बहुत गर्मी है, आजकल तो मई चल रहा है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था सिलने का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैंने सिल ही दूँ, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ काम रहता है तो मन भी नहीं करता और गर्मी भी इतनी ज़्यादा लगती है। तो इसकी वजह से मेरा फेस तो आप लोगों को देख के लग ही गया होगा, तो इसकी वजह से अब मैं सोची कि थोड़ा सा सिल लूँ। तो ये मैं अपने बिस्तर पर बैठ के सिलाई मशीन रख के मैं सिल रही हूँ। और कटिंग तो मैंने पहले ही कर रखी थी, उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और मैंने पूरे पार्ट को जोड़ के इसको सिल के तैयार कर लिया, और जब ये प्रॉपर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोग के बाद अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पे बच्चे लोग को डांट रही थी कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, तो ये थोड़े टाइम बुक, ये रात का शायद है, हाँ रात का ही टाइम है। खाना वाना शाम का भी मैंने बना लिया था और मैं पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ, पढ़ लो, लेकिन यही पढ़ने के बजाय, छोटे बच्चों को तो जानते हैं आप सभी लोग कि पढ़ते कम है और शरारत ज़्यादा करते हैं। तो अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ।